अस्सलाम वालेकुम संगलियर, वेलकम बैक बेटा। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव कर रहा है, उसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख प्लेस कर दिया, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी। एक तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फोर्स होगी जो कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास चार्ज कैरियर के ऊपर एक्ट कर रही होगी। और एक वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है हमने कंडक्टर को, एक वो होगी। और चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स अमल करती है वो आज हमने निकाली। सपोज यार हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है, कोई भी वायर का हमने पीस लिया, उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं सपोज दैट, और वायर की लेंथ हमारे पास एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और हमारे पास है ये जो चार्ज कैरियर्स हैं इन दी स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि इस वायर के अंदर से करंट गुजर रहा है और ये जो चार्ज कैरियर्स हैं इन दी स्टेट ऑफ मोशन, ये उनकी वेलोसिटी भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये उनके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सपोज दैट किसी वायर को हमने क्या किया, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, और इसी कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी, जो फोर्स अमल करेगी वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने निकाली होगी, वो बराबर होती है हमारे पास F इज इक्वल टू आई इनटू एल क्रॉस बी। ये जो हमारे पास है एल है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये कंडक्टर की फॉर्म के अंदर फोर्स है, तो हमने निकालनी है कि फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी अमल करती है वो आज हमने निकाल के देनी है। सपोज दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर ए, अगर हम इसके अंदर आई करंट की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास जो है वो फोर्स निकल आएगी जो पार्टिकल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्ट कर रही है। तो एज वी नो दैट आई करंट हमारे पास बराबर होता है डेल क्यू ओवर डेल टी, डेल क्यू टोटल चार्ज हमारे पास, डेल क्यू की वैल्यू देख रहे हैं, इसी को ये नंबर वन, डेल क्यू किसके बराबर होगा, सपोज दैट इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं वो हमारे पास लेट अस सपोज n है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और लेंथ है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने आ गए n a l, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हमारे पास n है और इसका हमारे पास अगर इस सारे का निकालना है तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a मल्टीप्लाई बाय l, सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स n, सो हमारे पास n a l की एक्सप्रेशन आ गई। अगर सपोज है हम देखेंगे एक चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्यू है, सो हम इसको निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्यू, सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बराबर आ जाएगा, टोटल चार्ज जो इसके अंदर हमारे पास होंगे चार्ज पार्टिकल्स वो n a l मल्टीप्लाइड बाय क्यू, ये डेल क्यू की वैल्यू आ गई। डेल टी टाइम की वैल्यू उसी तरीके से आप जानते हैं कि s इज इक्वल टू v क्रॉस t, अगर आपने टाइम निकालना है तो v डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय v, सो t इज इक्वल टू s ओवर v, अगर मैं इसको डेल t लिख लूं तो ये हमारे पास डेल s हो जाएगा, डेल t इज इक्वल टू डेल s ओवर v, सो ये हमारे पास क्या होगा, डेल s डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास कितना है l, सो ये डेल t बराबर होगा हमारे पास l लेंथ ओवर v, डेल क्यू और डेल टी दोनों की वैल्यू को ये नंबर वन के अंदर पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन वन के अंदर पुट करें, सो आई हमारे पास किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल टू डेल क्यू n a l q डिवाइडेड बाय डेल टी, डेल टी की वैल्यू हमने ये निकाली है l ओवर v, l से कैंसिल आउट, so I is equal to n a q v, भी ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
सो आई करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, यही वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर दें, सो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये जो फोर्स की वैल्यू होगी ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगी, वो मैग्नेटिक फोर्स होगी जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर अमल करेगी। पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू आई, आई करंट एन ए क्यू वी, एन ए क्यू वी इंटू एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब इसके अंदर ये देखें, ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन है v इंटू एल वेक्टर। अब आप इसको चेंज करें, ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके अंदर हमारे पास चेंज हो, v मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर है और ये l वेक्टर जो है हमारे पास है, l जो है वेक्टर फॉर्म के अंदर है, v एज इट इज और वेक्टर तो मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अब आप इसको देखें कि लेंथ जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास लेंथ है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास है वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी और लेंथ जो हमारे पास है एल कैप एंड वी कैप दोनों की दोनों सेम है, सो इक्वल वेक्टर के लिहाज से हमारे पास एल कैप और वी कैप दोनों की दोनों सेम होंगी क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड था और इनकी डायरेक्शन एक जैसी है। सो मैं इस तरीके से इसको राइट कर सकता हूं कि एल वेक्टर इज इक्वल टू एल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर। सो इस एक्सप्रेशन के अंदर जहां पे एल कैप आ रहा है एल हैट आ रहा है उसी को आप वी यूनिट वेक्टर के अंदर चेंज कर दें, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन किस तरीके से हो जाएगा, वी एल एल कैप इसकी जगह पे आप वी कैप लिखें, सो एल इंटू वी वी यूनिट वेक्टर। इस एक्सप्रेशन के ऊपर गौर करें कि ये एल हमारे पास एज इट इज, सो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर, सो ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा था, वी एल वेक्टर। हमारे पास था वी की मैग्नीट्यूड और एल वेक्टर, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, एल की मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर, यही उठा के आप इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर F is equal to n a q into v multiplied by l. So v हमारे पास मैग्नीट्यूड थी जो हमारे पास l मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज हो गई है, into l वेक्टर और ये हमारे पास v वेक्टर के अंदर चेंज हो गया मल्टीप्लाइड बाय b v cross b। ये हमारे पास फोर्स आ गई है जो कि एक चार्ज जो कि चार पार्टिकल के ऊपर अमल करेगी, इसके अंदर आपको q चार्ज भी नजर आ रहा होगा, हमने निकालनी है एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, ये हमारे पास सपोज दैट लॉरेंस फोर्स है, तो ये हमारे पास फोर्स किसके बराबर होगी, F इज इक्वल टू F L ओवर N A L, इसको आप डिवाइड कर दें N A L टोटल वॉल्यूम से नंबर ऑफ जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं वॉल्यूम के अंदर टोटल वॉल्यूम के अंदर मौजूद है उससे आप डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, n fl की वैल्यू n a q l into v cross b डिवाइडेड बाय n a l, l l से कैंसिल आउट n a से कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास f इज इक्वल टू q into v cross b। ये हमारे पास बेटा वो फोर्स है जो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करेगी, इधर हमारे पास q q चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास नेगेटिव होगा और प्रोटॉन के लिए हमारे पास पॉजिटिव होगा, v और b ये हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये जो फोर्स होगी ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन भी इनके परपेंडिकुलर होगी, और इस फोर्स की अगर आपने डायरेक्शन निकालनी है तो आप इस फोर्स के डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं।
बाएं राइट हैंड रूल, बाएं राइट हैंड रूल से किस तरीके से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, आप क्या करें अपनी उंगलियों की डायरेक्शन करें और वी वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर आप उंगलियां क्या कर लें, कर्ल कर लें, और ये जो थंब की डायरेक्शन होगी आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा थंब। और इसी तरीके से आपके पास अगर वी और बी चेन है तो आप उसी तरीके से आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें तो ये हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगी। अगर आप इनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास एक्सप्रेशन था तो जो कि हमने चार्ज पार्टिकल्स के लिए निकालना था कि उनके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो अमल करती है इन आ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।